थैंक यू वेरी मच बेला जी आपका आपकी टीम का शुक्रिया मैंने अपनी वाम से एक वादा किया था जब मैं शोब में आया कि मैं कोशिश करूंगा इंसान कोशिश कर सकता है कि मैं जेनवन रहूंगा मैं आप लोगों के साथ ऑनस्ट रहूंगा और जिंदगी कभी भी परफेक्शन अचीव नहीं हो सकती हम इंसान है गलतियों का पुतला है इसी से मैं बात को आगे लेकर जाना चाहूंगा हमारी जो यूथ आज माशा मुल्क का फ्यूचर ये है हमारे मुल्क का फ्यूचर इन पर जूम कर लें तालियाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जब मैंने जब मैंने बोला कि ये हमारे मुल्क का फ्यूचर है ये हमारे मुल्क की यूथ है इन्होंने जब अपने लिए तालियां बजाई तो इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज सीखने को मिला कि सेल्फ लव इज़ नॉट इंपॉर्टेंट इट इज़ नेसेसरी जिस तरह ये अपने आप से मोहब्बत करते हैं आप लोग भी अपने आप से मोहब्बत करें ग्यारह बज गए समा पे आप आ गए ग्यारह से बारह का वक्त आपका नहीं मेरा नहीं हमारा है हमने एक अच्छा सा समा बांधना है इसमें हमने आपको एंटरटेन करना है आपने हमसे एंटरटेन होना है कुछ हम आपसे सीख लेंगे आप हमसे कुछ सीख लेंगे मिल मिला के वक्त गुजर ही जाएगा क्योंकि बुरे वक्त की एक अच्छी बात है गुजर जाता है अच्छे वक्त की एक बुरी बात है कि वो भी गुजर जाता है तो इसी के साथ शो को आगे लेकर चलूंगा हद कर दी का सिलसिला स्टार्ट करेंगे और बुलाएंगे हमारे आज के मेहमान को अरे आज जो मेहमान हमारे शो में इस शो को चार चांद लगाने आ रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत और हसीन कपल है बात करें इनकी एक्टिंग की तो इनकी जोड़ी ना सिर्फ टीवी स्क्रीन पे बल्कि रियल लाइफ में भी बहुत पसंद की जाती है एक्टिंग की तो इनके आप फैन हैं ही लेकिन एक्टिंग के साथ साथ इनका डांस भी बड़ा वायरल हो जाता है तो आपको बिल्कुल इंतजार नहीं करवाऊंगा और बुलाऊंगा हमारे आज के गेस्ट को फैजान शेख एंड महा हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई भाभी कैसे हैं आप प्लीज आए आए जल्दी से नहीं 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 बैठना <laughs> पे खड़े होना है एक दफा फिर से <laughs> एक एनर्जी का इंफ्लक्स आता है ना तो आपको फील होता है जो आपने आज एंट्री मार दी है ये मुझे पता चल गया कि आप भी फुल ऑफ लाइफ लिव इन द मोमेंट ये नहीं करेंगे तो हद होगी कैसे हद होगी कैसे हद तो फिर करनी पड़ेगी ना ये जो अवाम जब इतना प्यार करती है ये जो मोहब्बत है कैसा फील होता है बहुत अच्छा फील होता है। Love of the people. हाँ, और ऐसा लगता है कि हमारे काम को कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर देख रहा है तो ये प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है देख नहीं रहा और आप लोगों से मोहब्बत भी कर रहा है ये आप लोगों का प्यार है ऐसे ही थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू आप, आप लोग आए yes, कैसा सफर रहा बहुत अच्छा सफर बहुत अच्छा। थोड़ा सा उर्दू वाला थोड़ा सा इंग्लिश वाला <laughs> लेकिन दे अच्छा दे सफर आप कौन सा वाला पूछ <laughs> सफर क्या पूछ रहे हैं <laughs> था रहा कि आप लोग क्या सीटें साथ मिली या कोई और लोग नहीं नहीं, नहीं सीटें साथ मिली बिल्कुल साथ साथ। जो हमारे साथ अंकल थे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था हमारी बातों में तो जैसे ही जहाज सीधा हुआ उन्होंने अपने आप को सीधा कर लिया और वो सो गए आपने कोशिश की थी बात करने की अंकल सुने तो ऐसी मुझे अच्छा लगता है जरा सलाम दो होती रहे लोगों से लेकिन उन्होंने बिल्कुल जरूरी नहीं समझा सो गए अंकल से एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देखने को मिला की अपनी नींद की फिक्र आपने खुद ही करनी है

दूसरी के ये क्या किया है <laughs> और क्यों किया <की> है <laughs> नहीं ऐसी अल्लाह का शुक्र है कोई बात नहीं हुई द मिनट वी लेफ्ट फ्रॉम ए आर वाई महाम ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात की और वो मुझे ऐसी लग गई उस वक्त क्योंकि हम शायद इतना रॉ हो चुके थे उस वक्त तक कि हर बात जो है ना बहुत ज़्यादा सुनने समझने में ईजी हो रही थी तो महाम ने मुझे कहा कि फैजान इट वॉज अ गेम एंड यू प्लेड वेल एंड योर आउट ऑफ इट सो लेट्स नॉट गो बैक एंड एड्रेस एनी थिंग भाभी अगर आपको मौका मिले सच सच आप जाएंगी तमाशा घर में अगर आपको अगले साल वो नहीं होता <laughs> अब तो मेरा नहीं ख्याल है कि मैं इस बारे में सोचूंगी लेकिन उससे पहले फॉर द शो Yes. पर हमारी बच्ची इतनी छोटी है कि हमने बोला कि मैंने तो पहले कहा तरह yes. का, I want to go का बड़ा लगता है मैं फॉलो करती हूँ दूसरे तरह का इस तरह के शोज तो मैंने कहा कि नहीं बच्ची बहुत छोटी है अभी नहीं हो सकता तो मैंने तो, मैंने तो मैं मना कर दिया आपने कहा इस दल दल में पर पर को को जाने दो जाने दो।, दो जाने दो मुझे बात बताया ऐसा क्या है आपको मास्टर माइंड क्यों कहने लग गए थे लोग यार ये तो मुझे एक तो पहले बता दें ऐसा क्या है दूसरा अगर वो है तो फिर आपको तो इस मुल्क की सियासत में होना चाहिए यार ये, ये मास्टर माइंड क्यों कहते थे लोग ये बात मैंने वहाँ भी दो चार दफ़ा एड्रेस की थी कि अगर मैं मास्टरमाइंड होता तो मैं जीत ही जाता और या तो मैं उसमें कहीं बहुत अच्छा करता शो में बट आई डेंट डू टू वेल आई गैस और ये बाहर से लोगों को टैग मिलते हैं कुछ लोग जाहिर सी बात है आप चौबीस घंटे का शो तो नहीं देख सकते तो जिसने जो देखा उसकी परसेप्शन थी तो मैं उस पर ना बुरा कहता हूँ ना अच्छा कहता हूँ जिसको जो लगा मास्टर माइंड तो आप है जीत तो इंसान तभी जाता है जब वो लोगों के दिलों को जीत लेता है तो बस हार के जीतने वाले को बाजीगार कहते हैं <laughs>

दिल जीत गया उससे बड़ी बात क्या हो सकती है अरे भाभी भाभी भी 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 सर का शौक है लेकिन भी भी पगली। <laughs> <रुलाएगी>। <laughs> नहीं तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि yes, yes, पाला पड़ा आपका मैंने जब सीरियल किया था सबसे पहले तो पाकिस्तान में इतने ज्यादा पाकिस्तान में हॉरर सीरियल नहीं बन रहे थे फर्स्ट मैं कह सकती हूँ अच्छा, तो लाइन होती है हमारे यहाँ तो वो कॉमिक हो जाता है या वाकई हॉरर होता है तो जब वो हुआ था तो शायद मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना बड़ा हिट हो जाएगा कि लोग आज भी उस सीरियल का नाम याद रखते हैं तो वाली चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी और जिस लोकेशन पे हम शूट करते थे वो वैसे ही थोड़ी सीड थी थी। और है भी अब तक तो वाली चीज हमें बोला जाता था कि अच्छा उस रूम में नहीं जाना और हमारे डायरेक्टर बड़े क्या कहते हैं, उसको बाजी नहीं करते बोलते हैं उसको जो बता, नहीं नहीं ट्राई करते ना उस कमरे से शॉट लेते बेवगूफ <laughs> भी कहते हैं अदर वर्ल्ड में लेकिन हां एडवेंचर एडवेंचर देखे वहां से शॉट लूंगा ना देखो वो कमरा बंद है कितना मजा आएगा वहां से शॉट आएगा तो हम बोलते क्यों छेड़ना है इस चीज को जो अगर वहां है अगर वाकई में है तो

नहीं ऐसा कुछ नहीं होता ये वो बट वन आफ्टर किसी के साथ कुछ कुछ होना में हम लोग परेशान होते थे रियलाइज करना शुरू किया जिस चीज का कुरान में जिक्र है ऐसा हो नहीं सकता को एग्जिट ना करे सो वी रियलाइजा कुछ है और अगर आप उनको तंग ना करें तो वो भी आपको तंग नहीं करते आपने सुना कहते हैं जोड़े आसमानों पे बनते है लेकिन इधर जोड़ा थिएटर पे बना ओह oh, यस। yes. आप लोग ड्रामे से ज्यादा अपने आप पे फोकस कर रहे थे। <laughs> एक ड्रामे का नाम था यू ओनली मैरी टॉयज ड्रामे का नाम था यू ओनली मैरी टॉयज बट यू मैरिड यस ये कैसे मुलाकात कैसे हुई थिएटर ऑडिशन में आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट मैंने फैजान को पहले परफॉर्म करते हुए देखा था थिएटर में बिकॉज hmm. थाजान ने बहुत अच्छे थिएटर्स किए और बहुत ज्यादा थे तो फैजान उस मामले में और वैसे भी मेरे बड़े सीनियर हैं एक्टिंग के उसके देखा जाए तो तो अब तो आप उनकी सीनियर है मैं, <laughs> <relation> <laughs> <में>, <laughs> हाँ, ये तो है बिल्कुल है लेकिन uh, हमने आई थिंक वही पहली दफा मिले थे yes. मुलाकात वैसे हुई थी ऑडिशन पे मुझे फैजान याद नहीं है कि ऑडिशन में बैठे थे क्योंकि मेरा ऑडिशन बहुत लंबा था पर फैजान को क्लियरली याद है बट वाज देयर देखो बिकॉज हम लोग ऑलरेडी हमें आदि लीड थे उसमें तो अच्छा वर्ड ये तो शाह डायरेक्टर थे तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप लोगों को क्या लगता है तो हमने डिस्कशन की नहीं यारी कैन डू इट एंड देन वी स्टार्ट रीडिंग एंड फिर वही ना कि आप रोजाना रिहर्सल करते हैं फिर बीवी का कैरेक्टर हो तो आपको यू नीट टू बिल्ड अपट केमिस्ट्री एज वेल तो केमिस्ट्री ज्यादा बना लाइव पोटेशन yes. मैं पहली बीवी थी फैजान की oh, yes, थिएटर में भी मिया बीवी का कैरेक्टर oh, yes, आपने थिएटर को एक्चुअली लोग कहते हैं ना ये फिल्म जिंदगी है। लाइफ दे रही थी ना मैं वहां पे मेथड एक्टर बड़े उसके बाद में घुस गए समझिए वाला सीन हो गया हां जी इन्होंने एक थिएटर किया जिसमें मियां बीवी का किरदार अदा किया तब ये मियां बीवी नहीं थे नहीं थे वो आज तक उसी कैरेक्टर में चल रहे अल्लाह का शुक्र कितने पक्के ना <laughs> <laughs> तो कभी वो वो डायरेक्टर साहब ने कहा नहीं कि मैंने तो जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मैंने वो दिया वो हमेशा कहते हैं शराबील सर अभी हाँ, भी कहते हैं आज भी कहते हैं तुम दोनों तोम दो की शादी ना हमारी वजह से हुई है मेरी वजह वजह का क्रेडिट लेते हैं मैंने सबने किए ये मेरी वजह से हुआ है

यार मैसेज अगर मेरा उन तक पहुंचे तो मैसेज हाँ uh, तो मैसेज मेरा यही होगा कि यू आर द किंग एंड यू विल स्टे द किंग डोंट वरी अबाउट एनीथिंग दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम सो हैंग इन देयर We are very proud of you. Very proud of you. अभी <laughs> अगर इसको पाकिस्तान टीम में कोच मैक... बनाने की ऑफर आए तो आपको कोई कुछ तो नहीं मैं बड़ी खुश होंगी क्योंकि फैजान सुकून में चले जाएंगे मरने मारने वाला सीन हाँ, होता है जब मेरा मैच हो रहा होता है हार्ट आपका दिल absolutely, है एब्सोल्युटली हाँ, एब्सोल्युटली मेरी बच्ची ने सीख लिया है किसी भी बॉल पे वो कहती है शॉट शॉट करके उसको लगता है हर शॉट होता है और मैच ये देख रहे हैं और हाँ। आपने कुछ और देखना आपने कहीं जाना हो मुझे जाने अम्मी की तरफ या ऐसा होता ही नहीं क्योंकि मतलब जो आदमी वेकेशन पे बाहर जाके क्रिकेट खेलने चला जाए तो फिर आप क्या सोचे मतलब आपने क्रिकेट के साथ दिल लगा लिया और जो पब्लिक फिगर्स को पब्लिक फिगर बनाते हैं हाँ जी जिनके देखने से हमारे जो ड्रामे हैं वो कमर्शियली चलते हैं क्रिटिकल सक्सेस भी इनी के रिव्यूज से मिल जाती है जो हमारे कंटेंट के कंज्यूमर हैं जो बैकबोन है, ये आपसे सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज, अगर प्लीज, आपकी इजाजत प्लीज, इजाजत हो प्लीज, 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 हो की हम जाएंगे ये सवाल पूछे असला क्या नाम है आपका मीरब बहुत प्यारा नाम है क्या करती हैं आप मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ क्या बात है जबरदस्त माशाल्लाह ये भी ठीक है शो लोगों को यही रहे कराए और ये हम क्या सवाल है आप मेरा मैम महम से ये सवाल है की कभी ऐसा हुआ है की आपकी और फिजान की कि कभी किसी स्क्रिप्ट पे लड़ाई हुई हो स्क्रिप्ट पे लड़ाई हुई हो नहीं।, नहीं।, नहीं करनी वो कह रहे करनी है या सब नहीं। 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 यो अपना अपना, है अपना, अपना है। अगर मैंने फैजान ने no मैं जरूर होती है कि ये कैरेक्टर आया चीज इस तरह की है क्या करूँ या नहीं करूँ कभी मैं कंफ्यूज होती हूँ तो फैजान बोलते हैं अच्छा है इंटरेस्टिंग है तुम देख लो तो पूरा डिसीजन हम दोनों का अपना अपना होता है काम अपना अपना है काम में कोई वो नहीं है काम और बैंक अकाउंट अपना अपना जो मेरा वो मेरा जो फैजान का है वो तो है ही मेरा तो हाँ। अरे वाह मेरा <laughs> मेरा तेरा भी मेरा हाँ, मेरा जी सर ऐसा ही है क्या ऐसा ही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जितनी हमारी भाभी यही मैसेज है एक ही फॉर्मूला है एक उसने निकाला था इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर दूसरा हाँ। ये है कि भाभी जो आपका है वो आपका है जो भैया का है वो तो है ही वो भी आपका हाँ। ही है वो तो है ही आपका क्या बात है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका मारूफ आप क्या करती हैं? मैं प्राइवेट फॉर्म में एक जॉब करती हूँ वेरी नाइस ठीक चल रहा थी. yes, है काम ठीक चल रहा है यस, अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है मुल्क के हालात जो है उनकी वजह से आपका काम तो नहीं इफेक्ट हुआ <laughs> नहीं, नहीं, है। क्या बात है अगर सब कोई ऐसे ही कहना शुरू कर दे तो क्या ही बात है जी ने एक चीज सिखा दी लाइफ में मुल्क, हाँ। पता नहीं, बिजली पानी पे वो कहती मेरा है मेरा काम ठीक है और क्या बात है क्या बात क्या बात है आप जैसे लोगों को चाहते हैं हमारे लीडर थैंक यू पता नहीं कहाँ है गायब

लरेबीबी लरेबी है ठीक है क्या करते हैं लरेब सर मैं ज्वेलर्स हूँ और मेरी गोल्ड की शॉप है अपना हो, 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 जी।, जी जी <laughs> और शॉप किस चीज की है ज्वेलर्स की गोल्ड की

ऐ कैरेट डिवाइड करके वो किससे डिवाइड कर करके बाहर से मैंने शॉट के लिए था तो नो बॉल हो गई बाउंड्री हाँ। पे कैच हो गया था नहीं है ना नहीं है ना जी सर है 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 ये वो वाला कैरेट तो नहीं जिसको गाजर कहते हो तुम हमें हमें कैरेट दे रहे हो तुम दिस इज रियल कैरेट अच्छा चलो सवाल पूछो छोड़ दो मेरा सवाल फज आंसर से है कि आप आपके इतने ड्रामेज आए हैं और हम आपके बहुत बड़े फैन हैं तो आपको कॉमेडी रोल करना ज़्यादा अच्छा लगता है या सीरियस uh, रोल आप में इंटरेस्ट यार दोनों अच्छा दोनों दोनो तरह की चीज़ें करना मज़ेदार लगता है लेकिन कॉमेडी करना मुश्किल है क्योंकि लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम होता है, है। आ, देखने वाले को ऐसा लगता है कि कॉमेडी करना आसान है लेकिन आई पर्सनली फील कि कॉमेडी करना ज़्यादा मुश्किल है इंजॉय मैं है। दोनों करता हूँ और आपके सवाल का हिस्सा नहीं लेकिन बता देता हूँ कि नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में मुझे बहुत बेहद मज़ा आता है बिकॉज में मार्जिन बहुत मिलता है खेलने का सो एज एन एक्टर आई लव टू डू नेगेटिव कैरेक्टर थैंक यू

कुम। कुम बहुत प्यारा वेस्ट कोट लग रहा है आपका थैंक यू सो मच लुक परफेक्ट हुई आपकी Thank you. perfect. Young लग रहे हो. मैं लीडर करता हूँ बीबीए बीबीए में क्या पढ़ रहे हो बीबीए में मैनेजमेंट मैनेजमेंट साइंस में अकाउंटिंग लड़का तैयार है लाइफ में क्या करना है yes. इंशाल्लाह आगे अकाउंटिंग में ही इंटरेस्ट है इंशाल्लाह बाहर जाने का भी इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा कहाँ बार कहाँ जाना चाहते हो यूके अरे वाह यूके में कहा

तो यार उससे मेरा बड़ा अच्छा बॉन्ड है दोस्तों वाला बॉन्ड है बिल्कुल यहाँ तक कि मैं उससे काफ़ी बड़ा हूँ लेकिन अलहद कभी उसने इस बात को नहीं माना और क्योंकि मेरे राबे के बीच में एक और भाई भी है और माशाला वो बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करती है हम दोनों को तो हम ऐसे ही हैं हमारी दोस्ती आ रही है बिल्कुल कोई रोप वाला कोई सीन नहीं है क्या बात वेरी नाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये जो हमारे मनी हाइस के प्रोफेसर साहब बैठे हैं सवाल पकड़ लिया है ना

रियल आपके तो हाथ चूमने चाहिए अल्लाह के उर्दू पढ़ाओ लोगों को उर्दू खत्म हो गई हाँ। <laughs> मतलब वाला तो सीन ही खत्म हो गया ही नहीं क्या होती है सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं अरे वाह सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू उर्दू बोल सकते क्या बात है

जिसे चाहो वही शख्स दगा देता है फिर मैं क्यों तुमसे मोहब्बत की तवक्को रखूं? फिर मैं क्यों तुमसे मोहब्बत की तवक्को रखूं? मेरी हर बात जो रकीबों को बता देता है और तुम एक पल में बेवफा हुए तो क्या गम तुम एक पल में बे, बे वफा वफा हुए तो, तो, तो क्या, क्या गम दिले नादान तुझे और जीने की दुआ देता है और तुम समझते हो कि हर शख्स है ना समझ और तुम समझते हो हर शख्स है ना, ना समझ, समझ वक्त उस्ताद है हर बात सिखा देता है ओ, 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 और ओ, मेरे जख्मों पर छिको गए और कितना नमक अरे बारे वक्त, बारे वक्त मरहम है हर बात भुला देता आज की आज टीचिंग छोड़ के आप इंस्टा पे चैनल <laughs> आपकी वायरल हो रही है है इस शेर में तपा हुआ है। <laughs> 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 क्या बात <वाद। laughs> ये मजे मजे की बातें तो फैजान भाई और भाभी के साथ चलती रहेंगी लेकिन हमें लेनी पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक तो आपने कहीं नहीं जाना हम इस तरह जाकर इस तरह आएंगे की पॉचिंग हद कर दी विद वो साकिब वेलकम बैक आ जाए शो को लेकर चलते हैं आगे और अभी बारह नहीं बजे बारह बजे तक मुझे आपका टाइम चाहिए आपकी अम्मी भी

Uh, लेकिन ये कि uh, उस वक्त मेरा कोई रुझान नहीं था इस तरफ बट वेन आई सेट के आई वॉन्ट डू दिसा ने कहा चलो किस एज में रियलाइज हुआ कि मैंने भी ट्वेंटीज़ अच्छा यस 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 ये मैं बी बी ए करने गया एक सेमिस्टर बाद हाथ जोड़ के वापस आ गया मैंने कहा मैं नहीं कर सकता बीबीए मेरी चीज़ नहीं है ये और उसके बाद आई स्टार्टड मैंने अम्मा से मैंने कहा कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ बिकॉज मैंने uh, थिएटर वगैरह उस हल्का हल्का शुरू किया था राइट तो उन्होंने कहा कि बस फिर यही तरीका है बेक्यू ओन वे And study about it. ने नहीं जो खुद ही करना है और वो आज तक यही बोलती है तो अब तक जो कुछ है वो अपनी का है और उनका सिखाया हुआ है। है। हमारी एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी है थर्टी से आपका फेवरेट गाना लगेगा एंड ऑडियंस वॉन्ट्स टू नो के आप हाउ इट सॉन्ग यू टू डांस लिपसिंग बैटल राम आपने अपनी स्किन के रूटीन भी बतानी है जाने से पहले क्यों? आप बाकी वेम्पायर है माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। नहीं वैसे ऑनस्टली बताओ हम लोग डांस बहुत सोच के करते हैं मेरा फंडा कि डांस में सोचते नहीं हमारा सोचना नहीं है <laughs> <दिपोर्ट में>. <laughs> <laughs> ये ये आप इंजॉय करें इसका मुझे कख नहीं पता था क्या बात हो रही है बट आई कैन लिस क्या बात मतलब Any हम जब, जब सीटों सी नाच सकते हैं oh. तो ये तो फिर हमारी अपनी पंजाबी क्या है बात या? है मतलब कहने का नो लॉजिक ओनली ओनली मैजिक मैजिक यस तालियां इनके लिए तालियां यस दिस इज फजान इसी बात पे प्रधान मैंने इतनी प्यारी बात की कि, कि, कि कुछ चीजों में इंसान को सोचना नहीं चाहिए बस कर देना चाहिए कर देना चाहिए ये मोहब्बत के दरिया में छलांग मार देनी चाहिए इसी बात पे अगला लगा है लगाओ भी लगाओ क्या है

जी लेडीज हथ कर दी के सफर को आगे लेकर चलते हैं हैं और चलते हैं हमारे एक बड़ी सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तोले बगैर बोलो yeah. हम भाभी स्टार्ट करेंगे घर oh पे किसको संभालना मुश्किल है भाई को या हादिया को? हादिया को <laughs> <laughs> oh yes. और, और हादिया दोनों को साथ संभालना मुश्किल <laughs> <laughs> हाँ. <laughs> तो में

एक्चुअली uh, शायद ये ट्रू ही होगा <laughs> uh, मैंने किया से पहले मैं महीने महीने की एज में। हाँ जी, नौ की जी उसके बाद कमर्शियल किए थे तो अमीर हो गई थी हाँ. अमीर तो मैं तो नहीं हुई थी लेकिन हाँ उतनी होता अम्मा आपको पैसे दे दो हम संभाल के रख लेंगे आज तक सम्भाल संभाल लेते हैं उनके बच्चों को भी देनी है वो तो हाँ हाँ हमने दिया है तो हमें मिलनी चाहिए मेरे तो घर पे नेट नहीं नहीं चल रहा था। मैंने कहा पता पता क्या तार नहीं तो हुआ तार कट गई चला एक वीडियो लगाती थी कितने दिन हो गए मुझसे सारी क्लास डरती थी क्यूँकी मैं स्कूल तो <laughs> की अंडरटेकर थी

लेकिन Because अभी तक हम दोनों ने एक दूसरे का वो एक्सट्रीम हल्क मोड में हम जाते नहीं एक दूसरे के साथ किसी और के लिए अगर जाते हैं तो एक दूसरे को वी नो हाउ हां जी सर ज्यादातर सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया तो नहीं कहूंगा लेकिन कुछ लोगों के होते हैं ओके और नहीं होने चाहिए नहीं होने चाहिए आपके नहीं होने चाहिए। चाहिए। कौन सा कंटेस्टेंट अगर तमाशा से पहले मिला होता या होती तो आपकी बिल्कुल भी ना बनती उनके साथ कौन सा कंटेस्टेंट अगर पहले मिला होता तो नहीं बनती इनफैक्ट ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मेरी ना बनती uh, सब काफी लोगों को मैं जानता था पहले से दो चार लोगों को मैं वहां जाके मिला uh, तो आई डोंट थिंक कि मेरी किसी से नहीं बनती नान भाई के साथ कैसा सिलसिला रहा बहुत अच्छा यार ही सच ए गुड टीचर आई वुड से मैंने उनके बारे में बहुत बातें सुनी हुई थी

उसमें जो लोग कास्ट होते हैं ना आई पर्सनली फील उन लोगों को कास्ट होना चाहिए जो क्रिकेट खेलना जानते हैं माशाल्लाह इतनी शार्प है कि वो एक सेकंड में बता देती है ये बॉलिंग स्टाइल so, you know, uh, like you know, really कैसे करूं कर सकता हूँ कोशिश करू शोएब अख्तर शोएब भाई के जो जंप का सीन है ना वो गेम ही सारी खास तौर पर अगर वो तो रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर पीछे से ला रहे तो वो ये करते थे कि वो यार वकार भाई अच्छा वकार भाई का सीन ये था कि वकार भी थोड़े साइड आर्म थे तो वकार भाई भाग और वकार भाई ये करते थे ठीक है वसीम अकरम वसीम मैं खब्बा नहीं हूं तो वसीम भाई का तरह मुश्किल है लेकिन मैं सकी भाई बड़ा अच्छा कर सकता हूं कि आहा विकेट अरे विकेट विकेट तो तो आई फील के ऐसे लोगों को आसना चाहिए जो क्रिकेट को थोड़ा सा समझते हो क्या बात है तालियां थैंक यू सर एक एक और हमारा बड़ा मजेदार सेगमेंट है है जिसका नाम मूड स्विंग्स मैं डायलॉग <laughs> पढ़ूंगा पहले भाभी आप फिर फजान भाई एक पहले फजान भाई एक सर्टन इमोशन में आपको वो करके दिखाना होगा जान मैं तुम्हारी मोहब्बत में हर टेस्ट पास करके दिखाऊंगा चाहे वो मेरा ब्लड टेस्ट ही क्यों ना हो ठीक है फुल एक्सट्रीम टॉक्सिक रोमांटिक वे में ठीक है आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो नहीं ठीक है अरे थिएटर थिएटर भाई जान मैं तुम्हारी मोहब्बत में हर टेस्ट पास कर सकता हूँ चाहे वो ब्लड टेस्ट क्यों ना हो <laughs> <laughs> <लबर। laughs> <laughs> लवर <laughs> कैमरा थोड़ा साइड पे चला गया लेकिन ये कि प्रोफाइल बन गया इतनी बार कहा है कि जब मैं घर आऊं खाना गरम रखा कर ऑफिस से थकी हुई आती हूं इसलिए नहीं तो मैं घर जमाई बनाया था गुस्से में फुल ओ गुस्से में <coughs> आप अपने वर्ड्स में कह लें कि कितनी बार मैंने तुमसे कहा है सुबह से ऑफिस से थकी हारी मैं घर आती हूँ खाना बना के रखा करो मेरे लिए सुनते नहीं हूँ ना वो सच चीख के जरूरी तो नहीं अरे एक्टिंग विद मैसेज अंडर एक्टिंग विद मैसेज वाओ वाओ <laughs> बादशाह सलामत मैं सलीम से लव करती हूँ lol आर यू लाइक क्रेजी हमारी शादी होने दे क्या मसला आपको माई लाइफ माई रूल्स जेन्जी मॉडर्न nice uh, किधर गया अच्छा सलामत मैं सलीम से लव करती लाइक रियली आर यू क्रेजी हमारी शादी होने दे क्या मसला है आपको माय रूल्स माय लाइफ ओह माय गॉड वेरी नाइस थैंक यू सो मच एंड एज यू कैन सी इनकी बातें भी बड़ी फिट हैं फुल ऑफ नॉलेज एंड डेप्थ इनकी एक्टिंग तो आपने देख लिया डांस भी इनका मच्छा टॉप नॉच है और जो मेजर कपल्स गोल कपल गोल्स भी ये लोग दे रहे हैं वो भी है, भी टॉप कितने है, आप लोगों के जवाब कैसे दिए जल्दी से मैं चाहूंगा हमारा एक सेगमेंट है हम कुछ सेलिब्रिटीज की आपने उनको सलामत सर जी सलामत ओ ओ माय गॉड दिसमेंस पावर हाउस हाउस पावर हाउस आ जाए नेक्स्ट मैं नहीं वेस इसको भाभी भाभी ओ क्या कहूं मैं इधर इनका नाम और रख दें ओ हर टाइम ओ।, ओ।, ओ क्या बात है ओ भाई और जरा सुनिएगा ओ, ओ। आई जी इनका नाम एजू कर दें एजू 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 परफेक्ट नेक्स्ट हमारे तो फौरन नाम छोटे कर दिए जाते हैं ना अरे अस्मापा आपा अम्... आपस से बड़ी मदरली फीलिंग आती है ना आई नेवर वर्क्ड विद अच्छा हाँ, मुझे बड़ी ना, ना मजे की वाइब आती है हाँ। इनसे आई फील शी इज वेरी फुल ऑफ लाइफ माशाल्लाह से माशाल्लाह यस ऑफ कोर्स एंड आई होप एंड प्रे कि हमेशा ऐसी रहे हाँ, आ, मुझे लगता है इनका नाम होना चाहिए चुलबुली अरे वेरी नाइस तालियां इनके लिए यार चुलबुली हमारे लेजेंड्स अरे पगले ये गलती से लग गया ये लगाया है ये मेरी टीम वाले छेड़े हैं छेड़े हैं हैं ये इमो

तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया आप लोग लो हथ कर दी पे आए आए आई एम सो हैपी देट आई एम ऑनर्ड आप लोगों का हथ कर दी गैसा रहा ग्रेट फॉर यू आर लुकिंग फॉर्वर्ड टू एट फ्राम द मोमेंट वी सेट येस टू द शो वीर लुकिंग बिकॉज वी लव यू एज एन एंटरटेनर एंड यू आर सुप्रीमली टैलेंटेड माशांग लॉन्ग लॉन्ग वे आई वेरी प्राउड ऑफ यू आम वेरी प्राउड ऑफ यू आई आम वेरी हैप्पी देट यू डिसाइड टू कम हेयर एंड वर्क बिकॉज हमें ऐसे एस, लोगों की ऐसे टैलेंट, टैलेंट की, हाँ। बहुत सख्त जरूरत है।, है आप तमाम बहुत तमाम लोगों का शुक्रिया मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो घर जाके बात बात <laughs> लेकिन ये कि थैंक यू सो मच आप लोग के होने की वजह से बहुत मजा आया आप लोगों के होने की वजह से बहुत मजा आया थैंक यू सो मच जितने हमारी टीम है जो काम कर रही है आप लोग के बगैर ये काम हो नहीं सकता आपको पता है सो थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू वेरी मच मैं चाहूंगा इनके लिए तालियां बजाय और यही यही कहना चाहूंगा कि शो के एंड पे इन्होंने कितना प्यारा मैसेज पास ऑन किया कि अक्सर आपको एक फाइनल प्रोडक्ट नजर आता है लेकिन उसके उसके फाइनल प्रोडक्ट बनने तक के सफर में जो जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब का बहुत हिस्सा होता है जिस तरह इन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया दिस टेल्स अ लॉट अबाउट हिम एज अ पर्सन और यही बात है कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो आपकी जिंदगी के सफर में कंट्रीब्यूट करते हैं जिनको अक्सर आप भूल जाते हैं आपने उनको नहीं भूलना उनको हमेशा याद रखना है उनको थैंक यू भी करना है क्योंकि इंसान को अक्सर सिर्फ एक छोटी सी अप्रिसिएशन ही चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए होता उसी से उसका पूरा काम हो जाता है उसी से वो कहता है यार दैट सेट ना पैसा चाहिए ना मोहब्बत चाहिए बस आपने मुझे अप्रीशिएट कर दिया दैट सॉल तो आप भी अपने इर्गर्द के लोगों को अप्रिशिएट करते रहे और जिस तरह इन्होंने मैसेज दिया कि एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज भी करते रहे ताकि हम ग्रो ग्रो करें वैसे तो क्रिकेट के शाएंगे इन्होंने कह दिया कि यार सपोर्ट दैम राइट नाउ बट थोड़ा बहुत हम प्रोफेशनल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम भी कर सकते हैं मैं कहता हूँ बाकी हंसते खेलते हैं दुआ में याद रखिएगा और आपसे मिलता हूँ हद कर दी कि अगले एपिसोड में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ साइनिंग ऑफ एंड रिमेंबर आई लव यू